एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। आज हम हमारी एक्सरसाइज 4.5 करेंगे आपके फोर्थ चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव जस्ट टू क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, ध्यान से करेंगे। देखो, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर लाइन सेगमेंट से जो हम पॉलीगन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट फिक्स होता है। क्वाड्रिलेटरल को नेम क्या देना है बच्चे? पी क्यू आर एस। देखो, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ऐसे, 1 2 3 4, फोर लाइन सेगमेंट्स को मिला के पॉलीगन बनाया, उसको नेम दे दिया हमने पी क्यू आर एस। आगे क्या करना है देखो, ड्रॉ डायगनल्स। अभी डायगनल्स बनाओ। डायगनल्स क्या होते हैं? जो एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स को या ऑपोजिट पॉइंट्स को मीट करते हैं। ऑपोजिट पॉइंट क्या है? पी के ऑपोजिट पॉइंट क्या है? आर। एस के ऑपोजिट पॉइंट क्या है? क्यों। ये हमारे डायगनल्स बन गए। डायगनल्स बनाओ, हमने बना लिया। और ये डायगनल्स जहाँ मीट करते हैं, हमने उसको नेम दे दिया ओ। इज मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगनल इज इंटीरियर। कहते जहाँ डायगनल मीट कर रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। यस, द मीटिंग पॉइंट ओ इज मीटिंग पॉइंट, इट इज इंटीरियर। ओ क्या पूछा उन्होंने? और एक्सटीरियर। बस यही पूछा था कि जो मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटीरियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ना ये। तो ओ क्या है? इंटीरियर। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन। एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसको नेम देना है के एल एम एन। अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इस क्वाड्रिलेटरल के बेस पे, आपको वो आंसर देने हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स कैसे होंगे? देखो, के एल इसके ऑपोजिट क्या है? इसके सामने वाला कौन है? ऑपोजिट क्या है? एम एन। फर्स्ट पेयर हो गया। सेकेंड के एन इसके ऑपोजिट क्या है? एम एल। नेक्स्ट, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल। अभी एंगल बताने हैं। देखो, एंगल एम एन, सॉरी ये एन है। एंगल एन के ऑपोजिट क्या है? इधर क्या है? एल। एम के ऑपोजिट क्या है? के। बन गए टू पेयर्स। नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अभी एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, एडजेसेंट साइड्स होता है जो एक साइड दूसरी साइड के बिल्कुल साथ लगती है। लाइक दिस इज क्वाड्रिलेटरल, दिस साइड इज एडजेसेंट ऑफ दिस एंड दिस साइड इज एडजेसेंट ऑफ दिस। तो ऐसे पेयर्स बताने हैं दो। देखो, के एल एडजेसेंट है एम एल के, एम एल एडजेसेंट है एम एन के, एम एन एडजेसेंट है के एन के, के एन एडजेसेंट है के एल के। जस्ट आपको नेम लिखने और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको देखना है एडजेसेंट क्या है। एडजेसेंट मैंने बता दिया, जो एक दूसरे के नेबर होते हैं। लाइक दिस साइड इज एडजेसेंट ऑफ दिस, दिस इज एडजेसेंट ऑफ दिस, दिस दिस एंड दिस वन इज दिस। इस तरह से फोर बन गए। आपको टू पूछे, आप दो कोई भी लिख सकते हो। लास्ट वन इज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। बच्चे सेम एंगल हो गए। देखो इधर, देखो क्वाड्रिलेटरल है ये के एल एम एन, तो एंगल के साथ कौन सा एंगल है? एल। तो के साथ कौन सा एडजेसेंट है? एल। एल के साथ कौन सा एडजेसेंट है? एम। एम के साथ कौन सा एडजेसेंट है? एन। एन के साथ कौन सा एडजेसेंट है? के। इट मीन्स फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। चार हो गए, दो कुछ आप कोई भी दो लिख दो। अब एक्सरसाइज 4.5 इज फिनिश्ड एंड 4.6 हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।